हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मोजेट के इंक के बारे में। ये एचपी का इंक है, इसका जो कलर कोड होता है GT52, कलर कोड नहीं होता है, ये इंक का कोड होता है जो एचपी में लगता है, इसके लिए GT52 कोड वाला इंक लगता है। तो ये फॉर्मोजेट की तरफ से आने वाला, ये समझ लीजिए कि ये लोकल है, इसका ओरिजिनल इंक नहीं है। एचपी का जो ये मेरा मॉडल है, आप देख सकते हैं एचपी स्मार्ट टैंक 516, ये मॉडल है, इसके अंदर हमको लगाना है। लेकिन अभी तक तो हम ओरिजिनल हमेशा लगा रहे थे, ओरिजिनल का काफी रेट महंगा होता है, 600-650 रुपया होता है। लेकिन ये मैंने एकदम काफी सस्ते में मंगाया है, आप अपने लोकल मार्केट में देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है आपके लोकल मार्केट में। और हो सकता है कि ऑनलाइन भी मिलता हो सकता नहीं, मतलब ऑनलाइन भी मिलता है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं इसको यूज करके। ऐसे हमको बताया गया कि इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर उसका एक जो ये होता है सेफ और जो प्रिंटर, इसका इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है इसमें काफी अच्छा, मतलब रिव्यू लिखा हुआ है कि ओवर 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इसके पास, फॉर्मोजेट के पास, और ये इंक के मामले में काफी अच्छा है, आपका प्रिंटर को कोई दिक्कत नहीं देगा, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसी भरोसे पे हमने इसको ले लिया है और इस बार हम इस इंक को यूज करके देखेंगे कि इसकी प्रिंट की क्वालिटी कैसी आती है। इसका जो ओरिजिनल होता है वो तो काफी अच्छा आता है प्रिंट, लेकिन अब इस बार जो फर्स्ट टाइम है इसको यूज करने वाला हूँ, इसमें मैंने मैजेंटा लिया है और दूसरा एक सियान लिया है, दो कलर का मैंने अभी लिया है क्योंकि ये दो कलर यहाँ पर खाली हो चुका है, कम हो गया है इसी वजह से। बाकी जो इसमें लगा हुआ है पहले से ओरिजिनल इंक लगा हुआ है, पहले से ब्लैक डाला हुआ है, येलो डाला हुआ है, और मैजेंटा और सियान जो है वो कम हो गया, तो इसको हम इसको रिफिल करेंगे और रिफिल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको रिफिल करना है। और आप भी अपने प्रिंटर में रिफिल कर सकते हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है क्योंकि यहाँ पे भरोसा दिलाया गया है, और जहां से मैंने लिया है वो लोग भी बोले हैं कि 80% लोग इसी को यूज करते हैं क्योंकि वो काफी महंगा होता है, तो उससे आपका प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो हम प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाने के लिए इसको हम यूज करेंगे इस बार, और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट क्वालिटी कैसी होती है। नेक्स्ट टाइम जब किसी कोई वीडियो इस प्रिंटर के बारे में हम बनाएंगे तो वहां पर आपको हम दिखा देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि ये प्रिंट, ये इंक जो है वो आपका सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारा कुछ डिफरेंसेस हम आपको बता देंगे। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसको रिफिल करना है। इस तरह से ओपन करना होता है, यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है सीधा, ये इस तरह से बैठ जाता है, इसको हम सिर्फ ऐसे पकड़ेंगे और इस साइड से भी ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर देंगे, बस एकदम इजी तरीका है एकदम। उसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से प्रेस करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि सियान ओपन किए हैं तो सियान वाला ही डाले, गलती से भी दूसरा कलर नहीं डाल देना, अदरवाइज आपको बहुत ही परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो इसको हम सील खोल देंगे, कभी भी आप लें तो सील चेक करके लें, और दूसरा चीज कि इसका जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपको देख करके लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग जो हुआ है वो 7वां महीना 2023 में हुआ है। तो इस तरह से हम ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद इसको कवर को हटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सील जैसा रहता है, लेकिन उस सबसे पहले इसको हमको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद इसका सील को खोलना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं, ब्लेड से कट कर लेते हैं साइड से, इस तरह से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको इस तरह से ऐसे करके हम लगा देते हैं, ठीक है, समझ गए कि कैसे लगाना है। अभी वो ओपन हो गया है और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर के बाद प्रिंट, मतलब जो इंक जो है वो उसके अंदर जाएगा। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, सीधे इस तरह से ऐसे प्रेस करके दबा देना है बस। अब देखिए ये जाने लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल्दी से देखिए जो इंक जो है वो रिफिल होने लगा है, वो पूरा फुल हो गया है। अभी इसके अंदर था पहले से इसीलिए ये फुल हो गया है, अभी भी है थोड़ा सा, अभी डाल सकते हैं इसको। तो जब देखिए आपके वो फुल हो गए, फुल होने के बाद इसको आप निकाल लेंगे। अभी हल्का थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा इसलिए बचा कि क्योंकि इसके अंदर पहले से था, क्योंकि ये सब सेम साइज का था, पूरा इंक का एक बॉटल पूरा इसके अंदर चला जाता है, लेकिन इसमें पहले से था थोड़ा सा, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा बचा है और ये फुल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेट कर रहा है ये फुल हो गया, बस इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे, लॉक हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको रिफिल कर देना है, बहुत ही इजी तरीका इसके अंदर दिया गया है। दूसरे प्रिंटर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका दिया गया। उसके बाद इसको इस तरह से सील करके रख देंगे ताकि कुछ हवा हुआ नहीं लगे, और प्लास्टिक के अंदर ही रखें क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो सेफ्टी रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद एसी बॉटल के अंदर कवर के अंदर हम डाल करके रख देते हैं। सेम उसी तरह अब इसको हम रिफिल करेंगे। एक्स्ट्रा नहीं क्योंकि इसके अंदर पूरा खत्म हो गया था, इसमें भी थोड़ा सा बच गया है और ये फुल हो गया है। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा बच गया है, इसको जब थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो हम इसको रिफिल कर लेंगे। उसके बाद अब इसको इसी तरह से कवर को क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे कि आपका जो कलर है वो कम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि मैंने रिफिल कर लिया है, तो इसको हमने हटा दिया है। यहाँ पर से इंडिकेशन जो है वो खत्म हो गया है। अब हम एक कुछ प्रिंट करके आपको दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसको यहाँ पर लगा देंगे, आप चाहे तो अच्छा पेज में भी कर सकते हैं, मेरे पास रफ पेज है क्योंकि पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। रफ पेज को मैंने लगा दिया है और यहाँ पर अभी इंक का कलर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर में मेरा टेस्ट पेज एक मैंने बना करके रखा है कि सारा कलर कैसा है, हर कलर इसमें प्रिंट हो गया, तो समझिए कि सही है और सही एग्जैक्ट कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल पी करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। एचपी स्मार्ट प्रिंटर है, यहाँ पर इसका प्रिंट का जो क्वालिटी है इसको हम हाई कर देते हैं ताकि बेस्ट क्वालिटी में आपको पता चलेगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ओके करते हैं, प्रिंट देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग जो है वो चालू हो गया है। अब देखते हैं कि इसका प्रिंट जो है वो कैसा आता है। अभी तो हो सकता है कि पहले का जो इंक था थोड़ा सा वो इसमें मिक्स हो गया है, तो पाइप इसका जो पाइप होता है पाइप के थ्रू हेड के पास जाता है प्रिंट होने के लिए, तो हो सकता है पाइप में जो कलर हो उसी से प्रिंट हो जाए। लेकिन कुछ प्रिंट निकालने के बाद इसका रियल जो है वो पता चलेगा कि आपका रियल एग्जैक्ट कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब प्रिंट होने लगेगा उसके बाद जब सही आने लगेगा, दूसरा जो प्रिंट हम निकालेंगे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम आपको इसका वीडियो हम अलग से फिर से बना देंगे। अभी फिलहाल कैसा आ रहा है वो आप देख लीजिए। इसमें ये शुरू में टाइम ले रहा है इसलिए कि अभी इंक मैंने डाला है और ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। इंक जो है वो फ्लशिंग अंदर में होता है, क्लियर होता है, लाइन क्लियर होने के बाद ही वो प्रिंट करता है। तो अभी आप देख सकते हैं सबका कलर एकदम काफी एग्जैक्ट कलर आ रहा है। हमको लगता है कि अभी हो सकता है पहले वाला ही ये इंक चल रहा है, इसी वजह से ये सारा कलर एकदम सही आया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आगे चल के कोई दिक्कत आता है तो हम आगे आपको दूसरा वीडियो बना करके आपको हम इंडिकेट कर देंगे कि आपको ये इंक खरीदना चाहिए, आपको प्रिंटर में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।